दुआ में याद रखना। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने सच कहा कि दुआ में याद रखना, क्योंकि मेरा मानना है कि यार लाइफ में रुपए पैसे तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा है लोगों की दुआएं, लोगों की ब्लेसिंग्स। तो प्लीज मुझे दुआ में जरूर याद रखना। और इसको बोलने का एक मेरा रीजन और है, वो रीजन क्या है ये जानने के लिए प्लीज 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 मेरा ये पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आइए हुजूर, चढ़ाते हैं हम आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आज एक नई खबर लेके आया हूं। नई खबर ये है कि हिमेश रेशमिया जी का एक नया गाना आज लॉन्च हो चुका है और इस गाने का टाइटल है दुआ में याद रखना। मुझे लगता है कि हिमेश जी माने कि हम लोग कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि आज वो जिस लेवल पे है, जिस तरीके उनका म्यूजिक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो रहा है, उनकी तो मेहनत है ही है, लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, इसी वजह से हिमेश रेशमिया इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो आपसे इंस्पायर होकर ये गाना हिमेश जी ने आप लोगों को ही डेडिकेटेड किया एक तरीके से, इसीलिए इस गाना लिखा है दुआ में याद रखना। और इस गाने के बारे में बता दूं कि इस गाने का नाम है दुआ में याद रखना और ये गाना लॉन्च हो रहा है हिमेश के दिल से एल्बम में। इसका 17वां गाना होगा और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर राइटर अपने हिमेश रेशमिया जी ही है। और इसके सिंगर, जी हाँ दोस्तों, इसमें नए सिंगर की एंट्री हो चुकी है, आदित्य नारायण जी हैं। आदित्य नारायण जी को आपने देखा होगा सारेगामापा, इंडियन आइडल, माने कि ना जाने कितने शोज में ये अपनी एंकरिंग कर चुके हैं। उनकी एंकरिंग के दम पे सारे शोज टीआरपी में नंबर वन ही होते हैं, एंकरिंग का तो इनका कोई जवाब नहीं। और ये सिंगर भी हैं और ये मैं बता दूं उदित नारायण जी के बेटे हैं। और जब उदित नारायण जी के बेटे हैं तो बोले ना, जब उदित नारायण जी इतने सुरीले इंसान हैं तो आदित्य नारायण की बात ही कुछ और है। क्योंकि मैं जब भी आदित्य नारायण को जितना सुना है उसमें कहीं ना कहीं उदित नारायण जी की छाप दिखती है। तो दोस्तों ये गाना भी सुपर डुपर हिट होने वाला है, ब्लॉकबस्टर होने वाला है। मुझे तो इस गाने का जरूर बहुत इंतजार है। मैं बता दूं कि ये गाना लॉन्च हो रहा है कल यानी कि 25 नवंबर को 11:11 पे और मैं इस गाने का इस बार फिर से रिव्यू करूंगा। और चूंकि आप लोग मेरे चैनल को इतना माने कि नंबर वन बना रखे हैं हिमेश मेलोडीज के जितने भी गाने आते हैं उसके रिव्यू में, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ये आपकी दुआएं ही हैं, तो अपनी दुआएं भी मेरे साथ बनाए रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं कल सुबह 11:11। और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं कि यार हिमेश के दिल से में ये 17वां गाना है, मतलब 17वां गाना मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हिमेश रेशमिया जी की निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है, समझ रहे हैं ना। मुझे लगता है हिमेश जी एक नया रिकॉर्ड फिर से बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नया रिकॉर्ड होगा कि एक एल्बम में सबसे ज्यादा गाने, अभी 17 गाने हो चुके हैं, ना जाने अभी कितने और गाने आने वाले हैं, अभी कुछ पता नहीं है और अभी कौन कौन से सिंगर गाएंगे। तो अगर किसी को कोई भी गेस हो कि अभी इस एल्बम में कितने गाने होने वाले हैं और अभी कौन कौन से सिंगर इस एल्बम में आने वाले हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, देखते हैं किसकी बातें सही निकलती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, क्या चढ़ा पे मेरे इस वीडियो का शुरू, अगर चढ़ाओ तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मुझे भी आप लोग दुआ में याद रखना। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, लव यू ऑल।